लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आपनारा केमन आछेन? जय जोहार, जय गोराम, बीधिरी खड़गेश्वर महादेव, जाड़ेश्वर महादेव, मां सर्वमंगला, मां महिषासुर मर्दिनी, ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की इस धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। इस धरती ने राष्ट्र सेवा में शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, बीरेंद्र नाथ शाचमल, निर्मल जीवन घोष, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी दिए। यहां के संथाल आंदोलन ने भारत की आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये धरती भारत मां के महान सपूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की भूमि है। इस भूमि को मां शारदा देवी, रानी राशमोनी, देवी चौधरानी जैसी अनगिनत विभूतियों ने धन्य किया है। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने यहां की विलक्षण प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। इसी क्षेत्र में देश की आजादी के लिए शहीद हुई माता स्वरूपा मातंगिनी, हाजरा ने नारी शक्ति का सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इस धरती का वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यह उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज
पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार, साथियों, खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है। भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली आईआईटी, इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय रेलवे को मजबूती देने में यहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। अशोल परिवर्तन, आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगालवासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए, हम कैसे अशोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। यहां जंगल महल के इस पूरे क्षेत्र में कृषि की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। इस इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इसका यहां के आलू पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। हम छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए भी सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे। हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे, गांव गांव में सड़कों का विस्तार करेंगे। हम इस क्षेत्र में शुद्ध पानी की समस्या को हल करेंगे, हर घर में पाइप से साफ जल पहुंचाएंगे। हम आदिवासी वनवासी संस्कृति की रक्षा के साथ उनकी भाषा, उनके गौरव को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है, जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम हो छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है।
बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार व्यवहार और संस्कार है। इन्हीं संस्कारों को लेकर हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ बंगाल में कमल ही नहीं खिलाना चाहते, बल्कि बंगाल के लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। साथियों, जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर कहीं कोई गाड़ी, कोई बस कीचड़ में या गड्ढे में फंसी हो, अगर उसको बाहर निकालना हो तो सारे पैसेंजर नीचे उतर करके एक दिशा में धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते कि नहीं मारते हैं? लेकिन आधे पैसेंजर आगे से पीछे की धक्का मारे और आधे पैसेंजर पीछे से आगे धक्का मारे तो कीचड़ से गाड़ी निकलेगी, गड्ढे से गाड़ी निकलेगी? सबको एक ही दिशा में करना होगा ना। बंगाल में भी दिल्ली की ताकत और बंगाल की ताकत दोनों इंजन एक दिशा में लगेंगे, तब जाकर के बंगाल ये बर्बादी से बाहर निकलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है। 10 अंगीकार? अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदुपत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कट मनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया,
फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट, ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड, दलित आदिवासी पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे कटमनी, दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट, दीदीर पाठशाला उत्पीड़न ट्रेनिंग देवा हो, अराजकों तो ट्रेनिंग देवा हो। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भर्तियों के लिए जो बोर्ड, जो कमीशन बनाए गए, उन्हें भी टीएमसी काडर के हवाले कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, शिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदाहरण आज मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3.5 दशक के बाद, यानी करीब 35 साल के बाद, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में ये नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है, और इसका मकसद है 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा में बदलाव हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर स्किल अपग्रेडेशन तक अनेक प्रावधान किए गए हैं, और इसकी एक प्रमुख बात है स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर बल। टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, या फिर प्रोफेशनल कोर्स, इन सब में
स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, इसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है दीदी के तो बोलछी किंतु ओनी सुनेछन्ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। आज बंगाल का किसान पूछ रहा है उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर गल जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं।
दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? आपने रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी? बहनों और भाइयों, गरीब का जीवन तब सुधरता है जब जीवन और कारोबार दोनों सरल होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं। खड़गपुर सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण सेंटर बनने की भरपूर संभावनाएं। इन संभावनाओं पर भी टीएमसी सरकार ने लगातार चोट पहुंचाई है, प्रहार किया है। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना न पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जो यहां रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को खत्म करने वाला था, रोकने वाला था। तृणमूल के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान ने प्रत्येक भारतीय को वोट की आजादी दी है। बाबा साहब अंबेडकर ने हम सभी देशवासियों को ये अनमोल ताकत दी है। लेकिन बंगाल में ममता दीदी, वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है, लूटती रही है। 2018 में पंचायत चुनाव में जिस तरह दीदी ने आपके अधिकारों को कुचला, वो दुनिया ने देखा है। जिन लोगों को संविधान ने के
आपके इस अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी दी है वही लोग बंगाल में लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। आगेर निर्वाचन गुलीते टीएमसी जा कर तो ए बार हो बेला आपनारा आश्वस्त था कौन सबाई एक संगे रखे दाड़ान निर्भय वोट देन पश्चिम बंगलार एती फिरिए आनार जन्यो अमरा बद्ध परिकार। साथियों पश्चिम बंगाल को अब पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई और सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार चाहिए, भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहिए। केंद्र सरकार के प्रयास पूरी तरह से तभी जमीन पर उतर पाएंगे जब यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार यहां ज्यादा रोजगार ज्यादा उद्योगों के निर्माण के अवसर बनाएगी। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में मेदिनीपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पेटुआ घाट का जो फिशिंग हार्बर है उसको आर्थिक गतिविधियों का हब बनाने के लिए पहल की गई है। डबल इंजन की सरकार में यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, कोल्ड चेन की व्यवस्था सुधरेगी, मछलियों की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए हर काम किया जाएगा। इससे यहां मछली पकड़ने और इसके व्यापार से जुड़े लोगों सभी साथियों को बहुत लाभ होगा। साथियों ये चुनाव सिर्फ विधायक सिर्फ मंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलने का ही नहीं है, सिर्फ परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प है। हर बूथ पर भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान हो ये संकल्प लेकर के हमें यहां से निकलना है। इस बार जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। इस बार भय नहीं, इस बार भय नहीं, सिर्फ जोय, सिर्फ जोय। पश्चिम बांग्लार मानुषेर जोय। कमल छाप पर पड़ा एक एक वोट डबल इंजन सरकार के लिए होगा, सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए होगा। इसी विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया, पूरे रास्ते पर लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपके सपने पूरे करके रहूंगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, बोनो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।